सब्सक्राइब कीजिए एके टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और स्वागत है आपका मेरे चैनल एके टेक्निकल में। दोस्तों आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि आप अपने जियो फोन में व्हाट्सएप कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैं आज आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने जियो फोन में व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि आप अपने फ़ोन में व्हाट्सएप कैसे चला सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने जियो फोन के ब्राउज़र में जाना है। ये मैंने ब्राउज़र खोल लिया। ब्राउज़र में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे गूगल में टाइप करना है ब्राउज़र लिंक वी। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है। ये मैंने टाइप कर दिया है यहाँ पे ब्राउज़र लिंक। तो दोस्तों इस ट्रिक से आपके जियो फ़ोन में 100% व्हाट्सएप चल पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्राउज़र लिंक आ चुका है दोस्तों, तो इस पर आपने सर्च कर देना है। यहाँ पे इसको सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन www.browserlink.com, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली नीचे जाना है और यहाँ पे आप इसको बाय भी कर सकते हैं। ये मंथली इनका प्राइस है कि 9 रुपये, 1900 रुपये और 99 रुपीज़ ईयरली। तो आपको यहाँ पे मैं सिंपली यूज़ करने का बता रहा हूँ कि कैसे आप चला सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं यूज़ फॉर फ्री पे कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये थोड़ा टाइम लेगा। तो दोस्तों यहाँ पे खुल चुका है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ चुके हैं कि आप जैसे मतलब व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, मैसेंजर यूज़ कर सकते हैं और क्रोम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमको यहाँ पे क्लिक करना है यूज़ व्हाट्सएप पे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको QR कोड स्कैन करने के लिए बोलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, अब मैं करूँगा ये। दोस्तों QR कोड आ चुका है, थोड़ा टाइम ले रहा है खुलने के लिए दोस्तों। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे QR कोड आ चुका है। तो अब इसको स्कैन करना है, तो मैं आपको स्कैन करके बता सकता हूँ आपको। जो व्हाट्सएप आप इस पे चलाना चाहते हो तो दूसरे स्मार्टफोन से आप इस पे इस कोड को स्कैन कर सकते हैं और आप दोस्तों व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं उसके बाद। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, स्कैन करके बता देता हूँ आपको। तो ये दोस्तों स्कैन कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कैन हो चुका है और यहाँ पे व्हाट्सएप खुल चुका है जियो फ़ोन में। मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका आपको दिख रहा होगा कि व्हाट्सएप खुल चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन, यहाँ पे मैसेज वगैरह सारे ऑप्शन आ रहे हैं आपको। मैं आपको अभी बता देता हूँ दोस्तों, ये आ गया दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे सर्च फॉर स्टार्ट न्यू चैट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे चैट शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो कि कैसे आप अपने जियो फ़ोन में व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों आपकी कोई राय हो, कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर दोस्तों आपको कुछ पता ना चला हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।